किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिस्टार फंजी साइट के बारे में, जो आता है सिंजेंटा कंपनी का। देखिए, अमिस्टार जो फंजी साइट है, वर्ल्ड वाइड ये टॉप का फंजी साइट है, यानी कि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में टॉप फंजी साइट में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर है। 100% कंट्रोल देता है, जो हमारी हानिकारक फंगस है उस पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये जो फंजीसाइड है बेहद ही टॉप का फंजीसाइड है, तो हम इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को आगे लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर आपके जो जानकारी है वो आधी अधूरी ले पाएंगी, जिससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हम जो वीडियोज बनाते हैं वो आपको बेनिफिशियल लगती हैं, आपके किसी काम की होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अमिस्टार फंजीसाइड के अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। ये जो टेक्निकल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्निकल होता है, यानी कि बहुत सारी फंगस को हमारी फसलों पर ये कंट्रोल करता है। देखिए, ये जो फंजीसाइड है अमिस्टार, ये हाईली सिस्टेमिक होता है। जब भी हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर या पत्तियों पर करते हैं, तो ये पूरे प्लांट के अंदर स्प्रेड होकर फंगस कहीं भी हो, हानिकारक फंगस जहां भी हो, उसको कंट्रोल करने का, उसकी रोकथाम करने का काम करता है, और बेहद इफेक्टिव तरीके से उसको ये कंट्रोल करता है। देखिए, यदि हम इसके फंगस पे काम करने के तरीके की बात करें, तो जब देखिए जी, ये हम इसके स्प्रे के बाद ये जो हमारी हानिकारक फंगस होती है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, जिससे जो फंगस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको ये स्टॉप कर देता है, और जिसके कारण जो फंगस है वो हमारी ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मर जाती है। तो इस तरीके से ये जो हानिकारक फंगस होती है हमारी फसलों में उस पर काम करता है। देखिए, ये हाईली सिस्टेमिक है, और स्प्रे के बाद ये हमारी जो फसलें की पत्तियां हैं उसको ग्रीनिश बनाता है, और ज़्यादा हेल्थियर हमें जो पत्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। ये हमारे पौधे में जो हमारी फ्लावर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रेज करता है, तो ये के बेहतर है। इसका जो इस्तेमाल है काफ़ी अच्छा हमें अपनी फसलों पर देखने को मिलता है। ये फंगस को भी कंट्रोल करता है, थोड़ी घनी यील्ड को, उपज को भी इंक्रेज करने में हेल्प करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें, तो देखिए इसकी जो डोज हमें देनी होती है 1.5 से 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करना होता है। यदि हम डिजीज कंट्रोल की बात करें कि कौन कौन से डिजीज को कंट्रोल करता है, तो टारगेट जो इसके डिजीज हैं, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, दोनों पे बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है, तो उसके लिए आप इसका स्प्रे बेझिझक ले सकते हैं। अर्ली ब्लाइट की समस्या आपकी फसलों में है या लेट ब्लाइट की समस्या आपकी फसलों में है, तो दोनों को ही कंट्रोल करता है। जैसे कि आलू में अर्ली ब्लाइट की समस्या, टमाटर में, इनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, तो दोनों ही फसलों को में बेहद ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है दोनों डिजीज के खिलाफ। उसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज की समस्या जिन फसलों में है उसको ये बेहद इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। और फ्रूट रॉट की समस्या यदि आपकी फसलों में है, जैसे मिर्ची में देखने को मिलता है हमें फ्रूट रॉट, तो उसमें भी ये बेहद इफेक्टिव तरीके से काम करता है। अन्य किसी भी फसल में है तो उस पर भी अच्छे से काम करता है। किसी भी फसल पर आप इस पर का स्प्रे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हर फसल पर काम हमें करता है, यानी कि रिजल्ट हमें अच्छा देता है। यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें, तो इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो लगभग 2 घंटे का होता है। स्प्रे के बाद कम से कम 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी इसका हम अच्छा रिजल्ट अपनी फसलों पर देख पाते हैं। और यदि हम इसके रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें, तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो लगभग 12 से 13 दिनों की होती है। देखिए, रेसिडुअल एक्टिविटी हमें जानना इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो रेसिडुअल एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि इसका असर हमारी फसलों पर कितने दिनों तक है। तो उससे हमें 2 फायदे मिलते हैं। एक तो उससे देखिए, जितने जब हम कोई भी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उसकी रेसिडुअल एक्टिविटी जब तक होती है तब तक उससे हार्वेस्टिंग ना लें, वरना वो जो उससे जो यदि हम हार्वेस्टिंग लेते हैं, फ्रूट को रिमूव करते हैं, तो वो नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उसके जो रेसिडुअल होते हैं जो हमने फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है वो उस फ्रूट के अंदर आते हैं, जो जो भी उसको इनटेक करेगा उसके लिए वो नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए एक तो ये बेनिफिट होता है, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हमें यदि हमें इसका रिपीट स्प्रे लेना है तो वो कितने दिनों बाद लेना चाहिए, कितने दिनों तक हमें इसका असर देखने को मिलता है। तो इसलिए रेसिडुअल एक्टिविटी को जानना इसलिए ज़रूरी हमारे लिए होता है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें,
अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।